केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जनता के साथ खड़ी है। पांच दिन से लोगों के घरों में अभी पानी है। हम जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, बुढ़मेरू जो नहर थी उसके ब्रीच होने के कारण, और ऐसी बारिश कभी 50 सालों में नहीं हुई, एक साथ भयानक बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। ये बात सच है कि पांच दिन लगातार हो गए हैं तो जनता को परेशानियां हैं, लेकिन मैं यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, उनकी टीम को और हमारी प्रदेश की सरकार को बधाई दूंगा। इतनी कठिन परिस्थितियों में कर्मचारी और अधिकारी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए दिन और रात लगे हुए हैं लोगों तक राशन, पका हुआ भोजन, पीने का पानी, दूध जैसी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इतने पानी में भी कि जहां जाना कई बार मुश्किल होता है, और जहां से नहर ब्रीच हुई है उसको जोड़ने के लिए दिन और रात राज्य सरकार काम कर रही है। इरिगेशन मिनिस्टर वहां लगातार बैठे हुए हैं और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस ब्रीच को बंद कर दिया जाए ताकि ये पानी आना बंद हो। मैं प्रदेश की सरकार की प्रशंसा करते हुए जनता की जो समस्याएं सुनी हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और मैं उनके निर्देश पर यहां आया हूं। यहां की जनता की तात्कालिक आवश्यकताएं भी पूरी होगी, हो रही हैं, लेकिन बाद में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो चाहे फसलों का हो चाहे घरों के सामान का हो, वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक है। इतिहास में ऐसा फ्लड यहाँ कभी आया नहीं, और इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी मदद करेगी, सहयोग करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता को इस संकट से बाहर निकालेंगे, संकट के पार ले जाएंगे। और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जनता के साथ खड़ी है। हम सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और जनता को सामान्य जीवन जनता के लिए लौट कर बिताना संभव हो उसके हर व्यवस्था और हर प्रबंध करेंगे। यही प्रयत्न लगातार जारी है।